हो गया काम बस, किसी इसका ले ला। हाँ, मेरे नाम मिस्टर शाहजवान है, हम उत्तराखंड के रहने वाले हैं। हाँ, तो हमको कुछ बताया नहीं कि पहले ये मकान, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई पता नहीं है, अचानक ये हुआ। तो जब ये बिल्डिंग बनी 2012-13 में, उस वक्त कहाँ गए थे ये पटवारी और कानून को, उस वक्त चेक क्यों नहीं किया? और अब बिल्डिंग बन गई हैं, 20-25 फैमिली रह रही हैं, हैं, और 50-60 लाख हम रजिस्ट्री के पैसे दे चुके हैं, तो आप सरकार क्यों वो कर रही है? हाँ, अगर कोई गलत काम है तो उसको पकड़ो जिसने ज़मीन बेची है, अगर फड़ो है। हम हो गया साल तक कोई नोटिस नहीं दिया है, तो अचानक जो है ये दावा बोला है। नहीं, कार्रवाई करेंगे, उसमें कागज़ शो करेंगे कि भाई 25-30 आदमी रजिस्ट्री की है, 2-2 लाख रुपए रजिस्ट्री का हो गया, 50-60 लाख हम दे चुके हैं। फिर सर कितने मकान हैं, लगभग कितनी चीज की गई है इसमें? काफ़ी मकान हैं, करीबन 100-150 मकान हैं इसमें, फैमिली रहती, 50-60 फैमिली हैं। चलने दो, अभी हमने जो है अमरपाली में अप्लाई किया, वहाँ 10 साल लग गए, अब यहाँ छोटे बिल्डर, हमने कहा जल्दी मिलेगा, अब यहाँ ये परेशानी है, कर्मचारी कहाँ जाएगा? हम रिटायर पर्सनल हैं, तो पब्लिक को ऐसा परेशान नहीं किया जाए, कोई ना कोई सहूलत लिया जाए। हमने तो पेपर में ये भी पढ़ा है कि अगर जिस किसान ने ज़मीन बेची है, अगर मुआवजा ना लिया हो, तो वो पैसा वापस कर सकता है, उसे पैसे लिया जाए, रिकवरी किया जाए। ये भी सहूलियत सरकार का, ठीक है, हम इसको मानते हैं इस चीज़ को, लेकिन पब्लिक को परेशान नहीं किया जाए। फैमिली वाले हैं सारे इसमें, गवर्नमेंट एम्प्लॉज सारे हैं, रिटायर्ड पर्सनल भी हैं, सर्विस में भी हैं, तो कृपा करके सरकार जो है इस चीज़ पर ध्यान दिया जाए।